अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये इसमें ना मैंने आपको ये बताना था कि आपने किस तरह क्रिएट करनी है पेंज। निफ्रा नूर, आपने ईमेल तो क्रिएट कर ली है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह आपने करना है। ये देखिए, अभी जो मैंने वर्क किया ना वो ये चीज़ है, इस तरह ये नज़र आएगा। बाकी मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये शीट मैंने बनाई है, ठीक है, ये शीट है सारी, ये मीरा का वर्क है और ये अलीज़ा ने बनाई है, ये अलीज़ा के सारे, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है कि आप इसके ऊपर स्टार्ट करो। और नेक्स्ट ये कि ये सीट है, इस तरह आना चाहिए ये बोर्ड, ये है बोर्ड पांडा .com, ठीक है। जब इसके ऊपर ये क्लिक्स आएंगे ना, जितने भी ज़्यादा क्लिक्स हैं उससे हमारी अर्निंग और उससे फिर हमारी पेमेंट बनेंगे, ठीक है, ये हमें चाहिए। अब क्या करना है, ये तो हो गया एक अकाउंट पे मेरा वर्क और मैंने किया था डाइस CG पे। मैं इस तरह करती हूँ, जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना मैं देख लेती हूँ कि मैंने किसके ऊपर वर्क करना है, तो इस तरह फिर मैं कर लेती हूँ। अब डाई वाली ये है 5th नंबर पे, तो आज की डेट में मैंने इसको डाल देना है कि मैंने वर्क कर दिया, तो मेरे लिए आसानी रहे क्योंकि अकाउंट ज़्यादा हैं थोड़े से, इसकी वजह से ना फिर मैनेज नहीं होता। अब फर्स्ट को देख लेते हैं, फी से है FPH ये है, ठीक है, इसको मैं लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन करने के बाद मैंने पिंट्रस्ट को ये देखे पिन किया हुआ है, सिंपली इसको ओपन किया, ये मैंने शीट भी साथ ओपन कर ली, ठीक है। जब शीट ओपन के हमने कर ली ना साथ, तो फिर मैं अपनी याद दोहाने के लिए कि मुझे याद हो मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं वर्क कर लिया सॉरी, तो फिर मैं क्या करूँगी इसके ऊपर कि लिखा नहीं आया डन, क्योंकि वो मैंने शीट यहाँ से ये बंद नहीं की, ये हो गया, ठीक है, ये डन लिखा गया। फिर ये है ये, इसको मैं लिखूँगी स्टार्ट अपने लिए क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ ना। अब दूसरा ये करना है, ये देखें 0 फॉलोइंग है ये, और ये है मंथली व्यूज, इसके आगे 334 इम्प्रेशन आना स्टार्ट हो गएंगे। ये देखें हमारे, ये सारा मैंने वर्क किया होगा, ठीक है। अब किस तरह इसके ऊपर मज़ीद हमने और आउटबाउंड क्लिक्स भी इसके ऊपर मैं देखती हूँ किस तरह हमें चेक करने हैं। हमें सिर्फ इम्प्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और इसके ऊपर आउटबाउंड हमें लिंक्स चाहिए। क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे, बोर्ड पांडा पे जाएंगे, बोर्ड पांडा पिंस, ठीक है, इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर हम लोग न्यू ही कर लें, मतलब वो ना करें जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पे बोर्ड पांडा लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिख, हमने सिंपली एक पोस्ट को ओपन कर लेना, एक पिन को। ये इनके होम पेज हैं सारे ना, अब मैं इसको लिया ना, अब इसी के अंदर से मुझे और मिल जाएंगे। ये फर्स्ट मैं इसकी ले लूँगी, देखिए 10 इंप्रेशन के ऊपर आए हैं, ये देखें नीचे। अब अगर यहाँ पे बोर्ड पांडा लिखा आ रहा है ना, इसको मैंने ये देखें, ये मैक्सिमम एक दिन में आपने 5 इसके ऊपर ना ये जो है पिन क्रिएट करने हैं। ये 1, ये वाली 1, ये 2 ओपन की, ये 3, 4, 5 और ये 6। मैं तो ज़्यादा भी कर लेती हूँ ना इस वजह से, ये देखें 1, 2 ये डिफरेंट है, ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 6 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट पिन में जाएंगे सिंपली, और एक ही पेज के ऊपर 5 ओपन कर लेंगे। जो मैं अपना आप लोगों को मेथड बता रही हूँ जिसको मैं यूज़ करती हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर पिन 5th और 6th पिन, ठीक है। मैं जिस तरह करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, क्यों इतनी जल्दी फिर मेरा इंप्रेशन और वो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारे अकाउंट पे भी काम कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ है, यहाँ से क्या करेंगे, हमने ड्रैग करना है, सिंपली हमने एरो लेके जाना है पिक्चर के ऊपर, राइट जो है लेफ्ट माउस के बटन को प्रेस करना है और हमने ड्रैग कर लेनी पिक्चर। जब इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना, खुद ही इस तरह से बन के आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस इमेज में ला के इसको छोड़ देंगे, खुद इसमें जो है पोस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये देखें, बोर्ड पांडा लिखा होना चाहिए, ये लिखा हुआ, फिर हम यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे। अब हमें लेना है UTM, ये है UTM, ठीक है, अभी ये मेरा, ये आप लोग यूज़ करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अगर किसी ने वर्क करना हुआ, कोई इंटरेस्टेड हुआ, मेहनत ज़रूर है, इंप्रेशन भी आना स्टार्ट हो जाते हैं इसके ऊपर, लिंक्स के ऊपर आउटबाउंड जो है ना वो भी आते हैं क्लिक्स भी, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इतना वो नहीं होना कि पता नहीं क्यों इसके ऊपर नई क्लिक्स आ रही है। देखें, इसको मैंने एक बार यहाँ से किया,
मैं तो सभी के पास एक बार ही करती, सिर्फ आपके लिए। यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क से आगे यूटीएम को मैंने डिलीट कर देना है और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर देना। ये हो गया, अब नेक्स्ट लेंगे। अब नेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग करूँगी और सेकंड पिन में इधर डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोर्ड पांडा को कॉपी लिंक एड्रेस किया और मैंने फिर इसको यहाँ लिंक में पेस्ट कर दिया। अगेन इसी तरह करते जाना, फिर मैं सभी का एक ही बार ना ये जो है यूटीएम में एक बार सबके चेंज कर दूँगी। वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है कि एक बार सभी के चेंज करूँ वन बाय वन, फिर मुझे ना उनके ऊपर जाना पड़ता है। वरना यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और दूसरा यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन लिंक करेंगे। अगेन थोड़ा ऐसे कर लिए, यहाँ तक पेज की इजी हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा पेज। ये चीज़ आ गई, देन हम इसी का यहाँ से बोर्ड पांडा का लिंक एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन लिंक है वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इमेज लेंगे और उसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इमेज का लिंक एड्रेस कॉपी करेंगे, अगेन यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब ये देखिए, मैंने यूटीएम नहीं चेंज किया, यूटीएम चेंज करना है फिर वो आपके क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर कुछ भी चीज़ जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं वहाँ पे विजिटर। हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। तो जिसकी वजह से हमने हाईफाई, ये एक हाईफाई कह लो कि अकाउंट है किसी का बोर्ड पांडा के नाम से, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह ये पता चला, ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। इसको लिया और मैंने डाल दिया यहाँ पे और फिर इसको बोर्ड पांडा को लिंक कॉपी एड्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है। अब क्या करना है, यूटीएम कॉपी किया, वन बाय वन मैंने सबका यूटीएम चेंज करते जाना है, साथ साथ मैंने इसको पब्लिश करते जाना। कि मैं अपना मेथड बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, किस वजह से मेरा 1 घंटे में ना मैं अपनी 15 आधा घंटा भी नहीं लगता। मैंने 15 अकाउंट्स बनाए, फिर मैं उनके ऊपर ना इजीली वर्क कर लेती हूँ। मैं पहले यूटीएम पेस्ट कर दूँ, फिर एक साथ ही सबको पब्लिश कर दूँगी। ये चीज़ आ गई, फिर यहाँ पे गए क्वेश्चन मार्क से ऑनवर्ड, यहाँ से इधर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, जिस इसका नहीं चेंज किया है ना उस उसका करना है। फर्स्ट वन का किया था, सेकंड वन से स्टार्ट करना है, यूटीएम चेंज करते जाना। सेपरेटली करना चाह रहे हैं वो आपके लिए आसानी है, आपकी मर्जी है। और ये ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पब्लिश पब्लिश। ये जो 6 बनाएंगे, 6 के 6 पिन को हमने क्या करना है, पब्लिश कर देना इस तरीके से, ठीक है। इस तरह ये देखिए, यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखेंगे टोटली सारी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 6 हैं। अब इन सबको टैब को ना हम कर देंगे बंद, फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से मेन पेज इसका कितनी ट्रैफिक है उसके ऊपर, ये चीज़ देखनी। ये हम लोगों ने किया था, ये देखे ना, इसके ऊपर अभी इंप्रेशन अभी अभी बनाया मैंने, ना सेव है ना आउटबाउंड, इसके ऊपर क्लिक्स हैं। ये वही है, नहीं ये डिफरेंट है, ये सीट करते हैं। मेन पर्पस इस यहाँ पे जो है पिन क्रिएट करने का है कि वहाँ पे ट्रैफिक जाए। ये देखें, ये मैंने अभी बनाया, ये लिंक लग गई है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं है, कुछ सेव नहीं किसी ने किया, कोई आउटबाउंड क्लिक्स। जब कोई इस मेरी पोस्ट के ऊपर क्लिक करके मेन वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ से फिर उसको मिलेगी ट्रैफिक, उसके बदले में वो मुझे पे करेगा। ये कह लें कि हमने ट्रैफिक को इसकी वेबसाइट की तरफ लेके जाने के लिए क्रिएट पिंस करनी है, ठीक है। और फिर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे वो लाना चाह रहा है, उन सब पे क्लिक्स करके मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। समझ आ गई होगी होप सो। और दूसरा, अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है, अभी मैं अपना यूट्यूब दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। अगर किसी ने कोई इंटरेस्टेड हुआ, ये नहीं होना कि अगर यूटीएम में मैं ले लूँ आप लोगों के लिए, और दूसरा ये कि फिर आप कहें कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, लाइट इशू हुआ, नेट इशू है, मैं कर नहीं सकी। अर्निंग इसमें होती नहीं जल्दी, लेकिन क्योंकि थोड़ा काम करना पड़ता है ना, काम करेंगे तो अर्निंग आएगी। जब तक हम उसको काम ही नहीं करके देंगे तो किस तरह वो हमें पे करेगा। तो इस वजह से जो उसकी डिमांड है हम पूरी करें,
हमारी जो डिमांड है वो बाद में पूरी।